तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि चीन के बाद नेपाल से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। चीन के बाद भारतीय सीमा में घुसा नेपाल भारतीय जवानों पर किया हमला, उत्तराखंड में हुई है घटना, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में कभी भी योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है मुख्यमंत्री पद से, ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में राहुल गांधी की यात्रा पर खुश हुए बीजेपी के नेता, कहा थैंक यू कांग्रेस, पूरे देश में राहुल गांधी की चर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल में चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने खोले थे 590 हेल्थ सेंटर, सभी में निकला झोल, चपरासी हेल्थ सेंटरों को चलाते मिले तो कांग्रेस ने सभी को किया बंद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन में कोरोना वायरस ने मचाया कोहराम, भारत में भी लग सकता है लॉकडाउन, भारत सरकार अलर्ट पर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में संतों को जहर देकर मारने की साजिश, नखलऊ से इलाहाबाद तक मची खलबली, आरोपी हुआ गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले देविका नंदन ठाकुर को सऊदी अरब से मिली जान से मारने की धमकी, योगी से की है कार्रवाई की मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन के बाद अब नेपाल से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, नेपाल ने उत्तराखंड में भारतीय जवानों पर किया हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि चीन के बाद अब नेपाल से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि चीन के बाद अब नेपाल के लोगों ने भारतीयों पर पथराव किया है और जमकर भारतीयों की पिटाई लगाई है, जिसके बाद तनाव की स्थिति भारत नेपाल के बीच बन गई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के धारचूला के घटखोला में तटबंध का निर्माण कर रहे भारतीय मजदूरों पर नेपाल की सेना और नेपाल के नागरिकों ओर से पत्थरबाजी की गई है। इस पथराव में वहां मौजूद डंपर और जेसीबी के शीशे टूट गए हैं और डंपर का चालक भी घायल हो गया है। सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंत ने घटना की पुष्टि ये की है और बताया है कि काम के दौरान नेपाल की ओर से पथराव हुआ है, डंपर क्षतिग्रस्त हो गया है और चालक घायल हो गया है। हम इसे रोकने के लिए कदम उठाने की मांग मोदी सरकार से करते हैं और नेपाल की ओर से की गई पथराव की यह घटना 11वीं घटना है, यानी 11वीं बार, 10 बार इससे पहले भी पथराव नेपाल की तरफ से किया जा चुका है और 11वीं बार ये पथराव किया गया है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तराखंड के धारचूला में एक जो है निर्माण हो रहा है तटबंध का और इसका नेपाल विरोध कर रहा है। तो चीन के बाद नेपाल ने भी भारत के ऊपर ये बड़ा हमला किया है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में कभी भी गिर सकती है बीजेपी सरकार, केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं मुख्यमंत्री। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कभी भी बीजेपी को झटका लग सकता है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार कभी भी गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा अब कायम नहीं है, लेकिन बीच बीच में उनके खिलाफ सियासी सुफुगे सामने आते रहते हैं। बीजेपी के ही कुछ बड़े नेता उनकी कुर्सी हिलाने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के बीडिया सेल ने रविवार को एक ट्वीट कर बीजेपी के अंदर उबल रहे उसी सुबगहाट को तेज करने की कोशिश की है। दरअसल आपको बता दें कि सपा के मीडिया सेल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक बार फिर दावा किया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मिलकर योगी की कुर्सी को हिलाने में जुटे हैं। अपने दावों को मजबूत करने के लिए सपा ने केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का एक साथ फोटो भी ट्विटर पर साझा किया है, यानी ये दोनों लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी में योगी की मुश्किलें कभी भी बढ़ सकती हैं और बीजेपी की सरकार गिर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में राहुल गांधी की यात्रा पर खुश हुए बीजेपी के नेता, कहा थैंक यू कांग्रेस। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों से गुजरने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच चुकी है। दिल्ली में राहुल गांधी के चाहने वाले उनका इंतजार करते नजर आए। राहुल गांधी दिल्ली के ITO पर रुके और वहाँ से उन्होंने भाजपा को जमकर सुनाया। इस दौरान उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि PM मोदी और भाजपा ने उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए। उन्होंने न्यूज़ चैनलों को निशाने पर लेते कहा कि ये नफरत फैलाने का काम करते हैं और 24 घंटे हिंदू मुस्लिम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल की लंबी स्पीच को सुनकर भाजपा के कुछ नेताओं ने खुशी जताई। इतना ही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तो कांग्रेस को धन्यवाद तक कह दिया। दरअसल आपको बता दें कि ये धन्यवाद कहा है कि किस तरह से उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और गोदी मीडिया को भी लपेटा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले देविका नंद ठाकुर को सऊदी अरब से मिली जान से मारने की धमकी। जब दोस्तों आपको
बता दें कि उत्तर प्रदेश में श्री धाम वृंदावन के प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता देविका नंदन ठाकुर को एक बार फिर से जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी दुबई से उन्हें मिली है। धमकी देने वाले ने उन्हें मुसलमानों के खिलाफ ना बोलने की हिदायत दी है। इस संबंध में खुद देविका नंदन ठाकुर ने वीडियो जारी किया है। वह अभी मुंबई के कारघर में प्रवचन कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इस वीडियो के सामने आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि जो धमकी दी गई जान से मारने की, उस व्यक्ति ने कहा है कि ये लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए इनको मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अगर ये आगे से मुसलमानों के खिलाफ बोले तो इनको बम से उड़ा दिया जाएगा और जान से मार दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल में चुनाव से पहले भाजपा ने खोले थे 590 हेल्थ सेंटर, चलाते मिले चपरासी। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्कू ने आज दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी ने कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला। लेकिन जब चुनाव 2 महीने पहले आ गए उसके बाद बीजेपी ने 590 संस्थान खोल दिए। लेकिन आपको बता दें कि इन संस्थानों में बड़ा झोल पाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने जब इन हेल्थ सेंटर की जाँच तो इन हेल्थ सेंटर में झोल बहुत बड़ा निकला है और इन हेल्थ सेंटरों को चपरासी चलाते हुए मिले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा सिर्फ वोट लेने के लिए किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने में तत्पर रहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन में कोरोना ने मचाया कोहराम, भारत में भी अलर्ट लॉकडाउन लगने की संभावना। जो दोस्तों आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस के मामलों में भयंकर इजाफा हुआ है। रिपोर्ट है कि रोजाना लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। सभी बड़े शहरों के अस्पताल चीन में भर चुके हैं, जबकि मृतकों को भी शमशान में जगह नहीं मिल रही है। अंतिम संस्कार के लिए चीन में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। चीन, ब्राजील, अमेरिका, जापान समेत कई देशों में पिछले कुछ दिनों में कोविड मामलों में तेजी आई है। इसकी वजह से भारत जैसे देश अलर्ट हो गए हैं। मालूम हो कि पिछले साल दूसरी लहर के दौरान भारत में भी बड़ी संख्या में मामले देखे गए थे, जिसकी वजह से इस बार सरकार कोरोना के खिलाफ जंग में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में कोई लॉकडाउन की आशंकाएं हैं। एक्सपर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोरोना वायरस भारत में बढ़ता है तो भारत में हर कीमत पर लॉकडाउन लगाया जाएगा और लॉकडाउन से ही स्थिति को नियंत्रित किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस पड़ोसी देशों में बढ़ रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएमएससी गोलेत ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा जय श्री राम क्यों नहीं बोलते बीजेपी आरएसएस के लोग। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस सिर्फ जय श्री राम ही क्यों बोलती है, वे जय सिया राम क्यों नहीं बोलते हैं, सीता माता सम्मान पूरा देश करता है। अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश में डर का माहौल है, उन्होंने वहां भी वार दिया जहां सीता और राम है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि उनका साफ कहना है कि बीजेपी वाले अब राम और सीता को भी बांट रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में संतों को जहर देकर मारने की साजिश, इलाहाबाद से नखलों तक मची खलबली, आरोपी हुआ गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में संतों को जहर देकर मारने की साजिश की खबर से इलाहाबाद से लेकर नखलों तक खलबली मची हुई है। न केवल पुलिस बल्कि खुफिया एजेंसियों ने भी संदिग्ध विक्रम से पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि विक्रम परी अखाड़ा को मान्यता दिलाने के नाम पर त्रिकाल भवनता को ठगने आया था। विक्रम के खिलाफ नैनी पुलिस ने रविवार रात एफआईआर दर्ज कर ली है। उस पर हत्या की साजिश रचने, ठगी और फर्जीवाड़ा करने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पूछताछ के बाद आरोपी बागपत निवासी विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से पुलिस ने विक्रम और योगेंद्र नाम के 2 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से संतों को उत्तर प्रदेश में मारने का प्लान बनाया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर के उरी में मिले युद्ध में प्रयोग होने वाले घातक हथियार, घाटी से पहली बार पाकिस्तानी गुब्बारे जब्त। जब दोस्तों आपको बता दें कि 2 सप्ताह से लगातार मिल रहे इनपुट के आधार पर सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने बारामूला जिले के उड़ी स्थित रामपुर ब्रिगेड के हथलंगा नाला के क्षेत्र से शनिवार को 8 घंटे की कवायद के बाद युद्ध में प्रयोग होने वाले घातक हथियार और गोला बारूद बरामद कर एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। आशंका है कि ये हथियार सीमापार से कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकियों के लिए भेजे गए थे। इसमें बड़ी बात यह है कि अभी तक जम्मू में पाए जाने वाले पाकिस्तानी गुब्बारे पहली बार कश्मीर घाटी में जब्त किए गए हैं। सेना और पुलिस ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। आज अपना साथ के लिए आप क्या कहना चाहोगे? 70 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी की सरकार ने अपनी कब्जे में ले ली है।
देखिए आजम खान साहब को जिस तरह बुरी तरह से फंसाया गया है, ये तो पूरी पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनको किस तरह से फंसाया है। हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है, सारे मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये सब मुकदमों में आजम खान साहब बेजाब हो जाए। अभी हाल ही में गेट खोलने का भी ऐलान किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गेट खोलने पर।